फ्लोर है और पांचवा छत। सबसे बड़ा बिल्डिंग है वहां का। सृष्टि, ओ सृष्टि, सृष्टि हेलो करो। बच्चा लोग पढ़ रहा है, उन लोग का ले लो। मेरी मम्मी लाइट है, कितना अच्छा सीन लग रहा है। देखो देखो ठीक से मेरा मोबाइल दिख रही हो, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ खड़ी हो मैं, यहाँ कॉलेज में दिखता कुछ है। मेरे दूर दूर तक दिख रहा है। तो हम लोग इधर से सामने हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना हुलिया सुधारूंगी, क्योंकि अभी इवनिंग होने वाली है, मतलब इवनिंग हुई नहीं है, करीबन 4 बजने के आसपास है। और बस मैं यहाँ पे अपने थोड़ा सा बाल बनाऊंगी और नहाने के बाद मैं बस ऐसे ही रह गई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। और थोड़ी बहुत टाइम मिल भी जाती है खाना वगैरह बनाने के बाद तो मैं ही थक जाती हूँ, तो फिर मेरा मन भी नहीं होता और बस ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। और जब तक आप बाल वगैरह ना बनाओ अच्छे से, तब तक मतलब बहुत अजीब सा फील होते रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे फ्रेश फील बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और थोड़ी सी ट्रैफिक की आवाज़ भी आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा। वैसे ये वीडियो कल नाइट में ही अपलोड होने वाली थी, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं इस वीडियो को कल अपलोड नहीं कर पाई। और मैं चाह रही थी कि जितना जल्दी हो सके अपलोड करूं वीडियो, लेकिन आजकल यहाँ पे इतने गाने बजते हैं, मतलब पूरे 3 गाने बजते हैं, कि जाकर भी मैं यहाँ पे साउंड एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, और जिस वजह से मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया है और सारा घर ये देखो बिखरा हुआ पड़ा है। यहाँ पे कपड़े, कल इवनिंग के कपड़े मैंने यहीं पे तह लगा के छोड़ दिए थे। और ये देखो कनक भी उठ गई है, मॉर्निंग का टाइम है, इसके स्कूल जाने का भी टाइम हो रहा है। बस वो यहाँ पे खेल रही थी फटाफट से। पहले यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे हस्बैंड सोते हैं, उन्हें बहुत गर्मी लगती है तो वो यहीं पे सोते हैं, मतलब उन्हें नीचे फ्लोर पे ही ज़्यादा वो बेटर फील करते हैं सोना। हम लोग भी सो जाते हैं, लेकिन आजकल वेदर थोड़ा सा अलग ही है, जिस वजह से मैं और कनक नीचे नहीं सो रहे हैं, क्योंकि कनक की तबीयत भी आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे हर 1-2 दिन में मतलब बुखार आ जा रहा है, जिस वजह से मैं भी नहीं सो रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सोऊंगी तो कनक भी मेरे साथ आ जाएगी, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे नहीं सो रहे हैं। और जो लोग चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को पहले वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घंटी की बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहेगी और वीडियो के माध्यम से हम लोग जुड़े रहेंगे। यहाँ पे बस जो कपड़े मैंने तह लगा के रखे थे वो मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ अलमारी में। और थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा लग रहा हुआ, क्योंकि मैंने लाइट वगैरह जलाया नहीं था, जिस वजह से क्लियर नहीं आ रहा है थोड़ा। और बस हस्बैंड अभी सोए हुए हैं, मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ और कनक भी उठ जाती है, क्योंकि उसको भी स्कूल जाना रहता है। और यहाँ पे 2-4 बोतल बस ये
जो पानी के है उसी में भर ले रही हूँ। और बारिश बारिश सा मौसम रह रहा है, कभी बारिश हो रही है कभी कुछ हो रहा है, मतलब क्या बताऊँ। ये देखो बारिश से पूरा छत यहाँ पे भीगा हुआ है, लेकिन गर्मी में कोई कमी नहीं है, मतलब गर्मी वैसे ही लग रही है। और यहाँ पे मैं ये देखो आ रही हूँ छत पे, तो ये अरुई के पत्ते हैं, तो दो चार पत्ते मैं यहाँ से ले ले रही हूँ। इसकी मैं आज बनाने वाली हूँ पकौड़ी। तो बस इतने के आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी थोड़ी सा मतलब पत्तियों में कैसे बनेगी, तो हो जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे और कनक को ही अच्छी लगती है। सो इतना काफ़ी हम लोग के लिए, मतलब ज़्यादा ही है। यहाँ पे बस लेके आ गई हूँ मैं नीचे, और ये देखो इसकी सफाई कर ले रही हूँ पानी में, पहले इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी और उसके बाद इसे मैं मतलब पकौड़ी जैसे बनाते हैं हम लोग वही बनाने वाली हूँ मैं, अच्छी लगती है। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने बेसन ले लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 चम्मच काफ़ी है, क्योंकि पत्ते बहुत ज़्यादा है नहीं। मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर, और ये है काली मिर्च, उसके बाद नमक भी ऐड कर दिया है मैंने, और ये है लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मतलब अचार भी मिक्स कर दिया था खट्टे के लिए, या फिर आप नींबू भी डाल सकते हो, और उसकी पेस्ट टाइप की बना के यहाँ पे सारे पत्तों को मैं जोड़ दे रही हूँ। वो बेसन को लगा लगा के ऐसे चिपक जाते हैं, तो बस यही बना रही हूँ। और अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, मेरे खाने वगैरह सारे बन चुके हैं और मैं घर में अकेली हूँ। कनक स्कूल जा चुकी है, हस्बैंड भी अपने ड्यूटी चले गए हैं, और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि क्या बताऊँ, और आवाज़ इतनी आ रही थी आप लोग देख रहे होंगे। मैंने खिड़की वगैरह पर्दे सब बंद कर दिए, गाने की आवाज़ सुन सुन के एकदम इरिटेट हो गई थी मैं यहाँ पर। और बस